दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रहलाद प्रसाद, जनरल फिजिशियन। दोस्तों बरसात का सीज़न चालू हो चुका है और बरसात का सीज़न शुरू होते ही डेंगू मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है। यह गांव में तो करीब करीब बहुत ही ज़्यादा महामारी रूप लेता है। कुल डेंगू के मरीजों में 90% तो गाँव से ही आते हैं, 10% यह शहरों में भी पैदा होता है। और इसके मच्छर खास किस्म के मच्छर होते हैं जो जहरीले होते हैं। इनके काटने से बुखार आना शुरू होता है। शुरू में जो सामान्य दवाइयों से इनके बुखार नहीं जाते, बुखार उतरता है, चढ़ता फलता मरीज की प्लेटलेट डाउन हो जाते हैं। और मरीज की प्लेटलेट डाउन होने से उसकी स्थिति भयावह और ख़तरनाक हो जाती है। फेफड़ों से ब्लड रिसना शुरू हो जाता है, ब्रेन में भी ब्लड रिसना शुरू हो जाता है, पेशाब के रास्ते ब्लड आना शुरू हो जाते हैं, आंतों में ब्लड रिसने शुरू हो जाते हैं। फलता मरीज की जान जोखिम में खतरे में पड़ जाती है और हजारों लोग प्रतिवर्ष मारे भी जाते हैं डेंगू के प्रकोप से। तो आप लोगों को बताऊंगा मैं क्यों ना इससे बचाव ही किया जाए कि ताकि डेंगू को बुखार ना हो, डेंगू मच्छरों काटने का प्रभाव ना हो आपके शरीर पर। तब क्या करें, सुबह सुबह खाली पेट आपको नीम के पत्ते और तुलसी के पत्ते काढ़ा बना के प्रतिदिन पीते रहना है। बरसात भर यह कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा, आपके अंदर इम्यूनिटी पैदा करेगा और उनके होने वाले डेंगू मच्छरों काटने वाले प्रभाव को जो जहरीले प्रभाव है उसको निष्क्रिय कर देता है। और एडल्ट के लिए दवा बता रहा हूँ, जिनकी उम्र कम से कम 12 साल से ऊपर हो वो डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg कैप्सूल 1 से लेकर 5 दिन तक खा सकता है। इसका 1 से 1.5 माह तक असर रहता है, डेंगू का प्रभाव नहीं होता। डेंगू मच्छरों काटने के जो जहरीले प्रभाव होते हैं वो नहीं होते, डेंगू आपको नहीं होता, सामान्य बुखार आकर के खत्म हो जाएगा सामान्य दवाइयों से। आपका प्लेटलेट डाउन नहीं होगा, इम्यूनिटी खत्म नहीं होगी, समझ गए। तो इस तरह से आप अपने डेंगू के मच्छरों के काटने के जहरीले प्रभाव से आप बच सकते हैं और अपनी जान की रक्षा कर सकते हैं, परिवार की रक्षा कर सकते हैं, समझ गए। तो यदि आप लोग मेरा सलाह अच्छा लगे उन चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।